नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि अर्थ क्विक कलम साइंस फेयर के लिए कैसे बना सकते हो। जैसे आपको टाइटल से ही पता चल गया होगा, एक साइंस फेयर मॉडल है, ठीक है, और ये अर्थ क्विक कलम मैंने बनाया है घर पर, ठीक है। तो मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ किया है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। ये बैटरी मैंने यूज़ किया है, 3 बैटरी, ठीक है, 1, 2, 3। ये 10 रुपये का एक आता है, मार्केट से आपको आसानी से मिल जाएगी। ये मैंने यूज़ किया है बजट, ठीक है, ये आपको बाइक की गैराज में बाइक मिल जाएगी, ठीक है। ये 40 रुपये का एक आता है, ठीक है। उसके मैंने ये तार वायर्स जो यूज़ किए घर पे ही थे, ठीक है। उसके बाद मैंने यूज़ किए 4 लाइटें, ठीक है, तो ये 4 लाइटें देख सकते हो, ये 5 रुपये का एक आता है, ठीक है। और 4 मैंने यूज़ किया है, ठीक है, तो 20 रुपये पड़ा। और ये डिब्बा का पड़ा मेरे को 10 रुपये, तो टोटल मेरा खर्चा हुआ है 100 रुपये में। 100 रुपये में आपका अर्थ क्विक कलम साइंस फेयर के लिए पूरा बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने इधर एक स्विच यूज़ किया, ये देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये स्विच मैंने यूज़ किया, ये गोल के बीच में ये टंगा दिया है, ठीक है। तो अगर मान लो अर्थ क्विक आता है तो ऐसे ऐसे हिलेगा ये, ठीक है। तो ये टच करेगा, और टच करने से मतलब क्या होगा, ये जो साउंड है साउंड भी करेगा, अलार्म बजेगा और लाइट जलेगा, तो लोगों को पता चल जाएगी कि अर्थक्वेक आया है, ठीक है। तो इसका मेन मोटिव ये है, तो आपको एक बार वर्किंग में दिखा देता हूँ, ठीक है। तो वर्किंग दिखाने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसका 2 लाइन निकलता है, ठीक है, ये बजर का, और बैटरी से भी 2 लाइन निकलता है, प्लस एंड माइनस का, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव एंड लाइट्स का भी। तो मैंने एक लाइन ऑलरेडी इधर ज्वाइन कर चुका हूँ, एक बजर का लाइन, एक बैटरी सी लाइन और एक लाइट का लाइन, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी एक जोड़ दिया है, ठीक है, और एक बजर से और जो लाइट का एक इधर जोड़ा है मैंने, ठीक है। और ये मैंने बैटरी से निकाला हूँ ये वाला तार, ठीक है, ये वाला तार बैटरी से है, और ये बजर एंड लाइट का उस मतलब लाइन है, ठीक है। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ कैसे ये वर्क करेगा। तो ठीक है, जब भी ये दो तार कनेक्ट होता है, देखना आप, ऐसे लाइट जलेगा, ठीक है, ये दो मतलब लाइन कनेक्ट होने से। तो इधर मैंने जैसे पहले ही बताया, ये अर्थक्वेक आएगा तो ये हिलेगा, ठीक है, तो ये दोनों से टच होगा, ठीक है। और मैंने ऊपर ही ऐसे मैकेनिज्म लगाया है, ठीक है, एक इधर लगेगा लाइन, एक इधर लगेगा लाइन, ठीक है। तो जब अर्थक्वेक आएगा ये हिलेगा और ये दोनों लाइन कनेक्ट हो जाएंगी, तो ये बच भी जाएगा, ठीक है। मैं और एक बार दिखा देता हूँ आपको, ऐसे ऐसे बचेगा, ठीक है, ये 2 लाइन मैंने कनेक्ट करने से। तो मैं दिखा देता हूँ आपको वर्किंग कैसे करता है। जैसे देख लिया आपने, ये दोनों लाइन मैंने इधर कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, एक जाता है बैटरी को, ये वाला बैटरी को जाता है, ये देखना, ये बैटरी को जाता है, ठीक है, और एक वाला लाइन, ये वाला लाइन इधर से होके एक लाइट को लिए जाता है, और इधर से होके एक बदर के लिए जाता है इधर, ठीक है। और ये लाइन तो मैंने ऑलरेडी कनेक्ट कर चुका हूँ। तो देखते हैं वर्किंग कैसा है। देखना आप अंदर, ये जो है ये बीच में झुला हुआ है, ठीक है, इधर से एक बार आसानी से देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे मैंने इधर अभी बैटरी का लाइन लगा दिया है, ठीक है, अभी भूकंप आएगा, मान लो जैसे ये भूकंप आएगा तो ये हिलेगा, देखो, अगर भूकंप आएगा ये हिलेगा ऐसे ऐसे करके, तो ये अलार्म भी बच जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब भूकंप आ गया है, ठीक है, तो भूकंप आएगा तो ये हिलेगा, तो हिलेगा तो ये लाइन टच होगी, और ये लाइट भी चलेगा, और ये बजर भी बजेगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर देना है, और अगर आपको कोई नया सुझाव चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कोई और भी मॉडल देखना चाहते हो तो भी कमेंट में बताइएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।